नमस्कार दोस्तों, मैं तालिबे लाल किताब वरुण मेहता आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी सूरज खाना नंबर 4 की, और उसके साथ बिलमुकाबिल के ग्रह हमने डिस्कस करे थे। आज हम बात करेंगे सूरज खाना नंबर 5 के बारे में। पांचवें घर के ग्रहों को देखने के लिए सबसे पहले हमें खाना नंबर 3 और 11 और 8 इनको ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे खाना नंबर 6 और खाना नंबर 10 के ग्रहों को भी ध्यान में रखना है। 3, 4 और 9 को भी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ केतु को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब खाने व्याकरण के अनुसार खाना नंबर 5 के साथ लिंक्ड हैं। वहाँ पे बैठे हुए शुभ या अशुभ ग्रहों का पांचवें घर के ग्रहों पे असर ज़रूर पड़ता है, तो फलादेश देखते समय इन ग्रहों का असर क्या आएगा वो चीज़ें डिफर कर सकती हैं। यानी जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स मैं अभी आपको बताऊँगा वो बिल्कुल उलट भी सकते हैं व्याकरण के अनुसार या कुंडली के अनुसार, क्योंकि हर कुंडली में कोई ग्रह एक ही जगह पर बैठा हुआ हमेशा सेम फल नहीं देता। किसी के लिए वो फल बिल्कुल उलट भी सकते हैं, किसी के लिए जो मेरी बताई हुई बातें हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली लग भी सकती हैं, और फलादेश जो है वो कई बार डिफर कर जाता है। तो खाना नंबर 5 में जब सूरज हो, अब सूरज यहाँ पे पक्के घर का है, यानी पाँचवा घर सूरज का है और बृहस्पति का है, तो पक्के घर का होने के नाते यहाँ पर सूरज के फल बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। और सूरज का क्या काम है? चमकना। सूरज हर वक्त सुलगता रहता है, हमारी आंखों के सामने पृथ्वी के दूरी पे जो घूमने के नाते अंधेरा आ सकता है, रात हो सकती है, लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं और भी दिन चढ़ा होता है। यानी कि सूरज जो है वो हमेशा चमकता रहता है। ऐसा इंसान जितना सच्चा होगा, सांच को आँच नहीं, उसी तरह सूरज को भी कुछ जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा जल रहा है। और सूरज पांच वाला जितना सच्चा होगा, जितना नियत का साफ होगा, जितना साफ दिल होगा, उतना उसके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। ऐसा इंसान, पांचवा घर किसका है? औलाद का और भविष्य का। ऐसा इंसान सूरज जिसका पांचवे में हो और उसके घर में जब बेटा पैदा होगा, यानी कि पांचवा घर एक्टिवेट हो जाएगा बेटा पैदा होने से, जो कि औलाद का घर है। औलाद लाल किताब बेटे को मानती है, लड़की को लाल किताब औलाद नहीं मानती। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि यहाँ पे लड़के लड़की में भेद नहीं रखा गया, कोई फ़र्क नहीं रखा गया, सिर्फ ये रूल्स का एक हिस्सा है कि लड़की को औलाद नहीं गिना जाता और लड़के को गिना जाता है। वो बेटा पैदा होने के दिन के बाद सूरज पाँच वाले की तरक्की होती है। उसके बाद पाँचवा घर जो है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, वास्तु के अकॉर्डिंगली ईस्ट की दीवार को रिप्रेजेंट करता है, और ईस्ट डायरेक्शन होती है खाना नंबर 1। एक वहाँ पे सूरज उच्च होता है ईस्ट में, और ईस्ट की दीवार जो है वो सूरज का पक्का घर है पांचवा खाना। और ईस्ट की दीवार में अगर मंगल की रसोई आ जाए, यानी रसोई जो कि होती मंगल की है, वहाँ पर अगर रसोई बना दी जाए सूरज पाँच हो कुंडली में, और स्पेशली घर के मुखिया की कुंडली में अगर सूरज खाना नंबर 5 में है और उस शख्स ने अपने ईस्ट की दीवार में रसोई बना ली है, तो वो उसको बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। यानी कि उसकी तरक्की, उसका रुतबा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब रुतबे की बात आती है, तो सूरज जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं उनका कारक प्लैनेट है, राज दरबार का कारक है, राज दरबार यानी गवर्नमेंट। तो सूरज पाँच वाला अगर गवर्नमेंट से अपने रिलेशन बनाता है, जो कि सूरज पांच वाले के रिलेशन बन ही जाते हैं गवर्नमेंट के साथ, तकरीबन होते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई रिलेशन गवर्नमेंट के साथ सूरज पांच वाले का निकल ही आता है, उसके दोस्त भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स में होते हैं, तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट के रिलेशन के से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहता है, या उसके लिंक्स अपने आप बढ़ते रहते हैं। तकरीबन ऐसे इंसान का जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो नेक रहती है, क्योंकि ये बृहस्पति का भी घर होता है पांचवा, और बृहस्पति जो है वो बुढ़ापे का कारक प्लैनेट है।
इसलिए सूरज पांच वाले का जो बुढ़ापा है वो मोस्टली नेक ही होता है। उसके बाद लगन का ग्रह पांचवें घर को मदद करता है, हेल्प करता है, ये भी एक रूल है। तो वहाँ पे अगर कोई शत्रु प्लैनेट भी सूरज का बैठ जाए तो वो सूरज की हेल्प करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेहत को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर सूरज का कोई शत्रु प्लैनेट लगन में है तो वो सूरज को हेल्प भी करेगा और कहीं ना कहीं सेहत को भी डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि लाल किताब में लिखा भी है कि राहु लगन में हो सूरज पांच में हो तो बेटा ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज यानी कुंडली वाले की हेल्थ को भी वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर जाता है। तकरीबन ऐसा इंसान अपनी सारी इच्छाएं लाइफ में पूरी ज़रूर करता है, कभी ना कभी उसकी हर इच्छा पूरी ज़रूर होती है, ये भी सूरज पांच का वादा हो जाता है। उसके बाद रेमेडियल पार्ट में अगर आएं, अभी ये जो प्रिडिक्शंस मैंने दी हैं इनके अलावा भी सूरज पांच की काफ़ी प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें सूरज खाना नंबर पांच में था, तो ग्रामर के अकॉर्डिंगली उसके कुछ प्लैनेट्स ही ऐसे बैठे हुए थे कि सूरज पांच होने के बावजूद उसका बेटा पैदा होने के बाद उसकी सब फैक्ट्रीज वगैरह बिक गई थी। तो जो भी मैंने अभी प्रिडिक्शंस बताई हैं वो बिल्कुल उलट भी सकती हैं, सिर्फ सूरज पांच के लिए भी नहीं, किसी भी ग्रह के लिए प्रिडिक्शंस उलट भी जाती हैं, नुकसान भी हो जाता है। अगर मान लो सूरज पांच में हो और ख़राब पोजीशन में हो काफ़ी तरफ से, तो ऐसे इंसान के जो बाप दादा ने जायदादें बनाई होती हैं कई बार उन पर कब्ज़ा भी हो जाता देखा गया है। ज़रूरी नहीं सूरज पांच वाले में, और भी काफ़ी कुंडलियाँ होती हैं, काफ़ी कॉम्बिनेशन होते हैं जिनमें कि बाप दादा की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़े हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में सूरज पांच के उपाय भी करने ज़रूरी पड़ जाते हैं। अब और बात बताऊं कि सूरज पांच में सूरज ही किस्मत जगाने वाला प्लैनेट है, तो किस्मत कैसे जगाई जाएगी? लाल मुंह वाले बंदर जो होते हैं उनकी सेवा करके। अगर हम उनको चने देते हैं, गुड़ देते हैं, बाजरा देते हैं, केले खिला देते हैं, तो शनि के जो शनि कह रहा हूँ लाल मुंह वाले जो बंदर होते हैं उनको अगर ये चीज़ें दी जाती हैं, गुड़ चने वैसे तो देने चाहिए, तो उसको सूरज पांच को ठीक किया जा सकता है। काला नमक का इस्तेमाल करने से भी सूरज ठीक हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा सूरज का जो बलि का बकरा है वो केतु ज़रूर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं केतु के रिश्तेदार जो होते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जैसे दोता, साला, जीजा। तो तीन दुनियावी कुत्तों की सेवा यहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद होती है। तीन दुनियावी कुत्ते कौन से? पंजाबी की कहावत है, भैन घर भाई कुत्ता, सहुरे घर जवाई कुत्ता, नाने घर दोता कुत्ता। हिंदी में बता देता हूँ, बहन के घर बहनोई, बहन के घर भाई, साले के घर में जीजा और नाने के घर में दोता। ये कुत्ते ही गिने जाते हैं, यानी कि केतु के ही ग्रह गिने जाते हैं, और यही तीन दुनियावी कुत्ते हैं, यानी कि जीजा, साला और दोता। तो इनकी सेवा यानी इनको खिलाते पिलाते रहना हमेशा मददगार होगा। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। जनरल तौर पे अगर स्ट्रीट डॉग की सेवा की भी जाए तो बहुत फेवरेबल रिजल्ट देगा, यानी कि सूरज पांच को ठीक करते करते साथ में कुंडली में केतु जहाँ भी होगा उसको भी ठीक करना ज़रूरी रहेगा। तो ये हैं सूरज पांच के कुछ बेसिक सिम्टम्स, प्रिकॉशंस और रेमेडीज़। प्रिकॉशन वाइज एक और चीज़ बोल दूं कि सूरज पांच वाले को झूठ बोलना जहर के समान होगा। और उसके साथ साथ एक पॉइंट अभी दिमाग में आ गया कि सूरज पांच में हो और रविवार वाले दिन बेटा पैदा हो जाए सुबह तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये बेसिक प्रिकॉशन सिम्टम्स और रेमेडीज़ हैं जो कि कोई भी कर सकता है। इसके अलावा कल हम सूरज खाना नंबर 6 को लेके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लोग अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाल किताब सीखना चाहते हैं, या दिल्ली में मुझसे लाल किताब सीखना चाहते हैं, या फ़ोन पे एनालिसिस वगैरह कराना चाहते हैं, तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9872372201। और जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें ताकि मुझे और हौसला अफज़ाई मिलती रहे। और प्लीज़ अपने कमेंट्स में मेरे जो वीडियोस हैं, जो मेरी प्रिकॉशंस हैं, जो रेमेडीज़ हैं, आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कल सूरज 6 के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही है।
कल फिर मिलते हैं, हैव अ गुड डे।